जी इस वक्त मैं M15 पे जा रहा हूँ। मैं लाहौर से आज सुबह चला हूँ M2 से M1 और M1 से M15 पे। और इस वक्त मैं मानसेरा के सर्विस एरिया में हूँ, मोटरवे के मानसेरा वाले सर्विस एरिया में हूँ। यहाँ से मुझे मुजफ्फराबाद जाना है। उसके लिए मुझे नेशनल हाईवे पर चढ़ना पड़ेगा, मोटरवे छोड़नी पड़ेगी। लेकिन ये बड़ा बड़ा ही ज़बरदस्त ट्रैवल रहा, बड़ा अच्छा सफ़र चल रहा है, वेरी कंफर्टेबल, कन्वीनियंट। मुझे एक प्रेजेंटेशन डिलीवर करनी है पाकिस्तानी जर्नलिस्ट को। क्रॉप लाइफ नाम का एक इदारा है, उसने ये इवेंट ऑर्गेनाइज़ किया है, जिसमें उन्हें हमने एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर किस किस्म के प्रॉब्लम्स होते हैं, क्या उसमें चैलेंजेस हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर पाकिस्तान में फेस कर रहा है, उनका पोटेंशियली सोल्यूशन क्या हो सकता है, और अगर जर्नलिस्ट इस पे रिपोर्टिंग करते हैं उन प्रॉब्लम्स पे, उन चैलेंजेस पे, उन सोल्यूशंस पे, तो उनको डेटा कहाँ से मिल सकता है, इंफॉर्मेशन कहाँ से मिल सकती है। इस चीज़ पे एक ओरिएंटेशन सेशन है जिसमें मैंने उनको आई एम वन ऑफ द स्पीकर्स, सो उसके लिए जो है मैं अभी रास्ते में हूँ। जी दिस इज़ द सेकेंड लेग ऑफ द ट्रिप, जहाँ पे मोटरवे से उतर के नेशनल हाईवे पे मैं अब आ गया हूँ। और नेशनल हाईवे में पहले 10 मिनट की ड्राइव थोड़ी सी मुश्किल थी, वहाँ पे सड़कें ख़राब थीं, लेकिन उसके बाद जिस तरह हमारी नेशनल हाईवे है, ये एक मुनासिब सफ़र है। लेकिन जो पहले 10 मिनट की ड्राइव थी, उसमें भी अच्छी बात ये थी कि मतलब इतनी अच्छे मंज़र थे, इतनी अच्छी सीनरी थी कि वो भी आपको बुरे नहीं लगते। जो मोटरवे का था वो तो बहुत ही अच्छा था, बड़ा कन्वीनियंट था, और ये वाला जो पार्ट है ये बहुत खूबसूरत है, इंक्लूडिंग दोज 10 मिनट्स जहाँ सड़कें अभी बन रही हैं, प्लस द लेटेस्ट जर्नी जहाँ पे सड़कें बन चुकी हैं। ये तकरीबन 1.5 घंटा जो है वो मोटरवे से उतर के हमें नेशनल हाईवे पे ट्रैवल करना पड़ता है। मैंने ये होटल में यहाँ पे चेक इन कर लिया है, शाम का वक्त हो रहा है। हमारा सफ़र इंटरेस्टिंग रहा, अच्छा रहा। अब मैं हॉल विज़िट करने के बाद, जहाँ पे कल मैंने स्पीक करना है, मेरी प्रेजेंटेशन है वहाँ पे, उस हॉल को विज़िट करने के बाद फिर जो है मैं अपने कमरे में चला जाऊँगा और कल की जो प्रेजेंटेशन है उसकी तैयारी करूँगा। तो उसे 3 घंटे मुझे अभी चाहिए होंगे उसको फाइनल करने के लिए। सो विश मी लक। आई हैड अ एक्सलेंट फर्स्ट सेशन, बहुत इंगेजिंग, बहुत इंटरेक्टिव। इसमें डेटा माइनिंग के ऊपर बात की, लोगों ने जो डेटा मैंने उनको बताया टेक्निक्स के, कैसे माइन किया जाता है, उसका एनालिसिस कैसे प्रेजेंट किया जाता है, बड़ा इंटरेक्टिव रहा। लोगों ने बहुत इंगेजमेंट की, बड़ा मुझे मज़ा आया। आई थिंक जो पार्टिसिपेंट्स हैं जर्नलिस्ट, उन्होंने भी इंजॉय किया। अब टी ब्रेक चल रही है, इसके बाद द सेकेंड सेशन विल स्टार्ट। पहला सेशन जो था वो डेटा सोर्सेस पे था और डेटा माइनिंग पे, और जो दूसरा सेशन अब शुरू होने जा रहा है, दिस विल बी ऑन इंफॉर्मेशन माइनिंग एंड इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग, और इंफॉर्मेशन को कैसे लेके ये लोग आगे लेके चल सकते हैं और उसके ऊपर अपनी रिपोर्टिंग कर सकते हैं। सो आई एम एक्चुअली लुकिंग फॉर अनदर गुड एंगेजिंग फ्रूटफुल सेशन। आखिरी सेशन जो है वो सिर्फ डिस्कशंस के ऊपर होगा, आपस में हम लोग मुख्तलिफ इशूज़ पर डिस्कस करेंगे। उसमें मैं कम बोलूँगा, पार्टिसिपेंट ज़्यादा बोलेंगे, और मैं उनके बीच में वो डिस्कशन को फैसिलिटेट सिर्फ करूँगा। सो ओवरऑल आई रियली सो फार आई हैव एंजॉयड द डे।